गाइस हमको ये तो पता है कि हमारे फेवरेट जीटी कैरेक्टर्स ने गेम के थ्रू क्या किया, बट मन में एक सवाल आता है कि आखिर उनका गेम खत्म होने के बाद क्या हुआ। तो आज की वीडियो में उसी का जवाब देने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि हमारे जीटी के मेन कैरेक्टर्स लाइक टॉमी, सीजे, माइकल, फ्रैंकलिन एंड बाकी सबका गेम के एंड होने के बाद क्या हुआ। काफी मजेदार होने वाली वीडियो, एंड तक जरूर देखना। बस हाँ, दो बातें पहली बता दूं कि जीटी के 3D यूनिवर्स एंड HD यूनिवर्स दोनों अलग हैं और मेन कैरेक्टर्स यूनिवर्स क्रॉस नहीं करते। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं ऑब्वियसली। अब आप सभी को पता ही होगा कि GTA Vice City के एंड में क्या होता है। बेसिकली टॉमी सोनी फोरेली एंड उसके लोगों को मार देता है, लैंस वैंस को मार देता है, एंड अब कोई नहीं है उसे परेशान करने वाला, जिसका मतलब वो Vice City के बिजनेस एम्पायर का मालिक बन गया है। एंड ये बात है 1986 की। तो उसके बाद भी टॉमी Vice City का क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड चलाता रहता है, लेकिन वो केन रोजनबर्ग से परेशान हो गया था क्योंकि वो एक कोकेन एडिक्ट था। तो इसलिए उसने केन रोजनबर्ग को फोर्ट कार्सन मेडिकल सेंटर के रिहैब में करवाया। एंड आपको पता ही होगा कि फोर्ट कार्सन एक्चुअली सैन एंड्रियास में था। फिर 1992 में केन बिल्कुल क्लीन होकर बाहर आता है एंड ट्राई करता है टॉमी से कॉन्टेक्ट करने का। टॉमी की सेक्रेटरी कॉल उठाती है और कहती है कि टॉमी कोई कॉल्स नहीं ले रहा है इस वक्त, जिससे ये वो समझ गया कि भाई टॉमी उसे इग्नोर कर रहा है एंड शायद अब उसने सारे टाइज कट कर लिए उसके साथ। एंड फिर केन थोड़ा बहुत सीजे के साथ ही काम करने लग जाता है। अब टॉमी ने उसके बाद कितने समय तक अपना ड्रग एम्पायर रन किया इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, बट केंट पॉल की वेबसाइट जिसका नाम है केंट पॉल्स 80s नॉस्टैल्जिया, वहाँ 2002 में वो लिखता है कि मैंने टॉमी का कहीं पर भी नाम नहीं लिया, तो मेरे को मत मरवाना। जिसका मतलब ये है कि टॉमी शायद 2000s में भी एक्टिव था बिजनेस में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय याहा, जिससे आप बिना कोडिंग की मदद से गेम्स बना सकते हो। ये एक नया यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जहां 3D में मल्टीप्लेयर गेम्स बना सकते हो। मतलब आपको गेम डेवलपमेंट आती हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, आपको कोडिंग एंड सर्वर की नॉलेज है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बस प्री मेड एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने सीन में एंड उसे टेस्ट करना है। इवन ये एसेट्स क्लाउड पे सेव्ड है तो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस गेम बनाओ, पब्लिश करो एंड अपने दोस्तों के साथ खेलो, क्योंकि ये मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो एंड उनके साथ खेल सकते हो, वो भी आपके खुद के बनाए हुए गेम में। नहीं तो इसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि नए दोस्त बनाओ। तो आज ही डाउनलोड करो यहाँ को फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फ्री है ये। अब बात करते हैं सीजे यानी कि कार्ल जॉनसन की। इसकी एंडिंग तो कोई कैसे भूल सकता है, काफी इमोशनल एंड सेटिस्फाइंग थी। इमोशनल इसलिए क्योंकि हमें बिग स्मोक को मारना पड़ता है, एंड सेटिस्फाइंग इसलिए क्योंकि फाइनली हमें ऑफिसर टेनपनी से छुटकारा मिल जाता है। लॉस सैंटोस को ब्लू स्ट्रीट फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, एंड क्योंकि बालास और वागोस खत्म हो चुके हैं एंड अब क्रैश का भी कोई डर नहीं है। एंड सीजे के पास प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी है सैन फियरो एंड लास वेंटुरास में, एंड इवन पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस भी हैं जैसे कि वुजीमो एंड माइक टोरेनो। इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि शायद सीजे मर गया होगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसके दो एनिमीज अभी भी अलाइव थे और वो हैं कैटेलिना एंड सेल्वेटोरे लियोने, जिसमें सेल्वेटोरे ने तो धमकी दी थी उसे कि तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म कर दूंगा, और वो पावरफुल भी बहुत था, लेकिन उसकी पावर सीमित थी लास वेंटुरास तक, जहां ऑलरेडी ट्राइड्स हैं सीजे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड कैटेलिना भी मोस्टली लिबर्टी सिटी में बैंक रॉबरीज करने में बिजी थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सीजे को कुछ हुआ होगा, उसके कनेक्शंस बहुत थे उसे बचाने के लिए। 1998 के रेडियो में फोर ड्रैगन्स कैसीनो की बात भी हुई, जिसका कोऑनर सीजे है, जिससे पता लगता है कि भाई पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी एंड वो प्रोबेबली लॉस सैंटोस का किंग होगा। निको बेलिक को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, एंड अगर आपने GTA 4 को कंप्लीट किया है तो आप जानते हो कि इसकी एंडिंग काफी डार्क है। मतलब अगर आप रेस्कलोफ से रिवेंज लेने का सोचते हो तो निको की गर्लफ्रेंड केट मर जाती है, एंड अगर आप रेस्कलोफ से डील करने का डिसाइड करते हो तो निको का कजन रोमन मर जाता है। खैर रॉकस्टार गेम्स ने 2013 में ऑफिशियली कंफर्म किया था कि निको की कोई ट्रू पाथ नहीं है, एंड प्लेयर पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सी एंडिंग चूज कर रहे हैं। आप बताना कमेंट्स में कि आपने कौन सी चूज की, बट हाँ उससे निको की आगे की लाइफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो क्राइम की लाइफ छोड़ देता है और नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अगर रोमन मारा जाता है तो निको उसकी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि उसके बच्चे की केयर करेगा, एंड अगर केट मरती है तो निको के और भी लव इंटरेस्ट हैं एंड वो रोमन एंड बाकी के साथ टच में रहता है। GTA 5 से तो हमें यही हिंट मिली है, पर अभी भी HD यूनिवर्स खत्म नहीं हुआ है। सो GTA ऑनलाइन के अपडेट्स में या फिर GTA 6 में उसके बारे में हमें क्या पता लगता है वो देखने वाली बात है। अब क्लॉड हमारे 3D यूनिवर्स का पहला प्रोटैगनिस्ट था एंड वो कुछ बोलता ही नहीं था, शायद इसलिए हमें उसके बारे में बहुत कम पता है। GTA 3 के एंड में हम देखते हैं कि क्लॉड कैटेलिना को मार कर अपना रिवेंज पूरा करता है, एंड वो और मारिया बस वॉक कर रहे हैं, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एंड गन शॉट की आवाज आती है, जिसके बाद मारिया चुप हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो नहीं पता, या तो क्लॉड ने मारिया को मार दिया या फिर हवा में गोली चलाई ताकि उसकी चबड़ चबड़ बंद कर सके। उसके अलावा क्लॉड ही शायद एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जिसकी आगे की लाइफ का कोई आइडिया
लेनी है। बस रॉकस्टार ने एक बार बताया था कि क्लॉड इज स्टिल अलाइव, मतलब वो मरा नहीं है, पर उसका क्या हुआ वो भी किसी को पता नहीं है। रॉकस्टार को ना ऐसे Q&A सेशन जैसे और करने चाहिए ताकि हमें कुछ नया पता लगता रहे इनकी स्टोरीज के बारे में। अब ट्रेवर और माइकल के बारे में बताने से पहले कह दूं कि GTA 5 की ऑप्शन सी वाली एंडिंग ही रियल एंडिंग है, जहां तीनों सर्वाइव कर जाते हैं, और इसका कंफर्मेशन रॉकस्टार ने GTA ऑनलाइन में दे दिया था। तो अब क्योंकि ट्रेवर जिंदा है, देन उसका हुआ क्या? तो रोहन के अकॉर्डिंग ट्रेवर अब उससे मिलता ही नहीं है और वो वाइनवुड चला गया है, जहां वो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल कोच एंड फिटनेस गुरु बन चुका है। आई मीन उससे कौन ही लाइफस्टाइल एडवाइस लेना चाहेगा उसकी हरकतों को देख के। खैर आगे ये भी पता चला कि उसका पेट्रिशिया मद्राजो के साथ भी अफेयर था। देन लेटेस्ट GTA ऑनलाइन के अपडेट में पता चलता है ट्रेवर के बारे में, जिसमें फ्रैंकलिन का सिक्योरिटी गार्ड बताता कि एक बंदा आया था, गालियां दे रहा था और कह रहा था कि वो फ्रैंकलिन के साथ काम कर चुका है, और बहुत गुस्सा भी हो गया जब गार्ड ने कहा कि फ्रैंकलिन यहाँ पर नहीं है। सुनने से तो ट्रेवर ही लग रहा है अपना, पर देखते हैं कि आगे उसका क्या होगा। होपफुली हमें GTA ऑनलाइन के फ्यूचर अपडेट्स में या फिर GTA 6 में उसके बारे में पता चले, या वो खुद ही दिख जाए। उसके बाद बात करते हैं माइकल डी सांता की। तो जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन सी इज कैनन एंडिंग, जिसका मतलब वो अलाइव है। अब गेम की एंडिंग में हमने देखा था कि उसके सारे एनिमीज रास्ते से हट चुके हैं और माइकल का मूवीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इवन वो सोलोमन के साथ भी काम करता है। तब शायद उसने क्राइम की लाइफ पीछे छोड़ दी है एंड एक हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर बन गया है, जिसका मतलब वो अपने लिए काफी अच्छा कर रहा होगा। ये सब हमें पता चला GTA ऑनलाइन की कॉन्ट्रैक्ट DLC से, जहां फ्रैंकलिन मूवी सेट से निकलते हुए बोलता है कि यहां पर काम करने वाले एक प्रोड्यूसर को वो जानता है। खैर हो सकता है कि आगे चल के हमें माइकल के बारे में और भी कुछ पता लगे थ्रू GTA 6 या फिर GTA ऑनलाइन की DLC, वरना फैंस तो चाहते हैं कि वो खुद आ जाए एक बार किसी मिशन में। अब बात करते हैं तीसरे GTA 5 के करेक्टर की, जो कि है फ्रैंकलिन। इसने एक अच्छा डिसीजन ये लिया कि GTA 5 के एंड में माइकल और ट्रेवर दोनों को बचा लिया एंड सभी दुश्मनों से छुटकारा भी पा लिया। वैसे भी यूनियन डिपॉजिटरी को लूट कर उस पर खूब पैसा आ चुका था, जिस पैसे को वो रीइन्वेस्ट करता है एंड एक एजेंसी स्टार्ट करता है, जहां वो सेलिब्रिटीज के डर्टी काम करेगा। आई मीन समझ ही जाओ, जिसका मतलब वो क्राइम वर्ल्ड में अभी भी एक्टिव है और लॉस सैंटोस का बहुत पावरफुल आदमी बन गया है, एंड उसके कुछ नए दोस्त भी बनते हैं जैसे कि एक हैकर। अब डॉक्टर ड्रे के अनरिलीज्ड सॉन्ग्स गलत हाथों में आ गए थे, तो फ्रैंकलिन उनकी हेल्प करता है वापस लाने में। चॉप अभी भी है, जो कि थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, एंड लमार की आदतें अभी भी वैसी ही हैं। अब फ्रैंकलिन एक शादीशुदा आदमी है, जी हाँ उसने तनिषा से शादी कर ली है और बच्चे भी हैं। बहुत कम ही देखने को मिलते हैं ऐसे GTA प्रोटैगनिस्ट जिनकी फैमिली बस चुकी हो पूरी, बट माइकल के बाद हमारा फ्रैंकलिन इसमें सक्सेसफुल रहा। अब देखना ये होगा कि रॉकस्टार के डेवलपर्स ने उसकी स्टोरी के बारे में क्या सोचा है, तो शायद GTA 6 या फिर GTA ऑनलाइन से ही पता लगेगा। अब जॉनी क्लेबिट्स एंड विक्टर वैंस ऐसे प्रोटैगनिस्ट थे जिनको एक ही साथ बता सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंड सेम ही था, डेथ। जॉनी क्लेबिट्स द लॉस्ट एंड डैम्ड का प्रोटैगनिस्ट था एंड ट्रेवर के हाथों मारा गया विदाउट एनी रीजन, और विक्टर वैंस अपने लाइफ की लास्ट ड्रग डील करने जा रहा था ताकि अपनी लाइफ सुकून से जी सके, पर उसी डील में जब कुछ लोग अटैक कर देते हैं तो वो मारा जाता है। और फाइनली टोनी सिप्रियानी की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एक सेपरेट गेम भी है एंड वो GTA 3 में भी अपीयर हुआ है। लिबर्टी सिटी स्टोरीज में वो सेल्वेटोरे लियोने का खास आदमी बन गया था एंड GTA 3 में हम देखते हैं कि वो अभी भी अपनी मदर के लिए काम करता है, लेकिन उसकी मदर हमेशा उसे ताने ही देती रहती है कि तुम कितने अच्छा कर लो लेकिन अपने फादर जैसे नहीं बन पाओगे, एंड इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी रहता है। पर मेन सवाल आता है कि सेल्वेटोरे लियोने की डेथ के बाद उसका हुआ क्या, क्योंकि तब तो लियोने फैमिली बहुत वीक पड़ गई होगी। सैडली हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता एंड रॉकस्टार ने आने वाले गेम्स में भी कुछ खास नहीं बताया। तो गाइस यही थी कुछ आगे की स्टोरीज इन GTA के करेक्टर्स की। वैसे इस बारे मैंने मेन करेक्टर्स लिए हैं, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी करेक्टर्स के बारे में जानना जैसे कि लेस्टर या लमार, तो नीचे कमेंट्स कर दो, मैं शायद उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में जाना जो कि GTA गेम्स में होने वाली थी बट बाद में कट कर दी गई, तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, एंड अगर आपको GTA 6 के लेटेस्ट लीक्स जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।